नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे वैदिक साहित्य की। आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है और इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये हैं श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यह साहित्य लंबे समय तक मौखिक रूप से चलते रहे और बाद में इनका संकलन किया गया। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित हैं। इनमें वेदांग, सूत्र और स्मृति ग्रंथ शामिल हैं। श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य की तुलना में अधिक पवित्र और श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्रुति साहित्य में वेदों को प्रथम स्थान है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों से आर्यों के जीवन तथा दर्शन का भी पता चलता है। वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में 10 मंडलों का विभाजन है, यानी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक है, जिसमें 11 बाल खिल्य श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 4थे मंडल से लिया गया है। इसमें सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है और इन देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और सूर्य ये प्रमुख देवता माने गए हैं। इसका यानी ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता है। इसमें घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। आर्यों तथा अनार्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख भी इस वेद में मिलता है, जिसमें प्रसिद्ध दसरागे युद्ध की भी चर्चा की गई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जबकि महापुराणों की संख्या 18 है। आर्यों का प्रसिद्ध कबीला भरत था। भरत ने दसरागे युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया। भरत कबीले का शासक सुदास था, जिसने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। इसी कारण विश्वामित्र ने अनार्यों का साथ दिया। जंगल की देवी के रूप में अरण्यानी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बृहस्पति और उनकी पत्नी जूही का चर्चा भी ऋग्वेद में मिलती है। राजा के लिए पुराम्भेत्ता, यायावर प्रजा के लिए चर्षणी, स्थायी निवास करने वालों के लिए कृष्टि तथा उत्पादन में सक्षम जनता को अरे कहा गया है। इसमें नारदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। इस ग्रंथ में धर्म शब्द का प्रयोग विधि यानी कि नियम के अर्थ में किया गया है। ब्रह्मा को ऋग्वेद में विधात्र, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, बृहस्पति, विश्वकर्मन इन नामों से संबोधित किया गया है। इंद्र को पुरंदर, दस्युहन, पुरोभिद ऐसे नामों से पुकारा गया है और अग्नि को पथिकृत अर्थात पथ का निर्माता कहा गया है। ऋग्वेद की रचना पंजाब के क्षेत्र में हुई थी। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर भारत की नदियों को बार बार इसमें चर्चा मिलती है। इसे सप्त सैंधव कहा गया है। सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लेखित है। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में अनुष्ठानों और कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहा जाता था। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। इसमें दो पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यायनी संहिता भी कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित पाठांतर है। कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय, मैत्रायणी तथा काठक पाठांतर है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। चावल की कई किस्मों की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। साथ ही चावल को व्रीही के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ की चर्चा मिलती है। रत्नीनो
जो कि वैदिक अधिकारी थे, रत्निनों में की चर्चा भी यहाँ पर यजुर्वेद में मिलती है। यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 ऋचाएं यानी मंत्र है। सामवेद, सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित उद्गात्र कहे जाते थे। सामवेद का संबंध संगीत से है और इसमें संगीत के विभिन्न पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसमें कुल 1549 श्लोक हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है। इसकी तीन शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय और राणायणीय। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। अथर्ववेद के विभिन्न भागों में अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोने से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति, इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया है। सम्राट शब्द का उल्लेख भी मिलता है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद की भी दो शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उपवेद, वेदांग, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। नमस्कार।